नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर रेखा साउथ किचन। आज मैं आपको सिंगाड़े से बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाकर बताऊंगी, जो कि आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एनर्जी से भरपूर हैं। चलिए तो बनाने की सामग्री देख लेते हैं। 500 ग्राम सिंगाड़े का आटा लेंगे, 250 ग्राम पिसी हुई शक्कर, आधी चम्मच इलायची पाउडर, कुछ हम ड्राई फ्रूट लेंगे जो हमने बारीक काट के लिए हैं, जैसे कि काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकती हैं। और हमने 200 ग्राम खोया लिया है, साथ ही साथ घी। सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच घी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सिंगाड़े का आटा, गैस को हम मीडियम रखेंगे और आटे को अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। सिंगाड़े का आटा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है, इसको हम थोड़ा और भूनेंगे। सिंगाड़े का आटा भुन गया है, इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए। मैंने इसे घी से बनाया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर गरम कर लिया है। अब मैं ड्राई फ्रूट को भून लेती हूँ। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हल्का ही भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम अब खोया डालेंगे, खोया मैंने 200 ग्राम लिया है, इसको भी भून लेते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, खोया भुन गया है, ये देखिए आप, खोया ब्राउन ब्राउन हो गया है और खोए ने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो बिना भूंजे भी खोया यूज कर सकते हैं। चलिए अब खोए को हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर हम लड्डू बनाएंगे। हमने सभी सामग्री को ठंडा कर लिया है, अब हम वही कढ़ाई लेते हैं, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भुने हुए और सिंगाड़े का आटा भुना हुआ, इन सभी को हमने ठंडा कर लिया है। खोए को भी हमने ठंडा कर लिया है, इसी में डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम शक्कर 250 ग्राम और इलायची पाउडर आधी चम्मच, इन सभी को मिला लेते हैं। मैंने सिंगाड़े के आटे को मिला लिया है, सारी सामग्री भी मिला ली है मैंने। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ। मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ, आपको जितनी जरूरत हो उतना घी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप इसे व्रत में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और गर्मियों में तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हमने घी को मिला लिया है और सभी सामग्री को भी अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए आप, इस प्रकार का मिश्रण तैयार करना है, जब ही हमारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं। इस प्रकार से जितने साइज का लड्डू आपको पसंद हो उतने साइज का लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है। मैंने सिंगाड़े के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आप इसे बनाकर खाइए, ये बहुत ही एनर्जी से भरपूर लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।